टाइप एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे जावा में और वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप होता है क्या, डेटा टाइप हम किसको बोलेंगे, है ना। तो डेटा टाइप बेसिकली स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। दोनों इंटरलिंक्ड है, डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों इंटरलिंक्ड है। अब एज पर द डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट साइजेस और वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है। ठीक, वैल्यू क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, किसकी, वेरिएबल्स की। ठीक है, या फॉर एग्जांपल डेटा, जैसे यहाँ पे क्या है, डेटा कोई भी आपके पास डेटा है, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा डेटा का, और उस डेटा की वैल्यू क्या है ना, डेटा में वैल्यू क्या है, ठीक है, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हो सके। ठीक है, तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं, बुलियन, कैर, बाइट, सॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके कुछ एडवांस लेवल के डेटा टाइप बनाते हैं, जैसे क्लासेस, इंटरफेस, एरेस। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो जनरली 8 टाइप्स के होते हैं, बुलियन, बाइट, कैरेक्टर के लिए कैर, सॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इसको क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है आपका क्या है डेटा टाइप। दो हो गए थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, ये सारे अलग हो गए, ये हो गए नॉन प्रिमिटिव आपके, इतने हो गए नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में क्या हो गया, बुलियन और न्यूमेरिक, ये दो ब्रॉड हैं, ब्रॉड डेटा टाइप। ठीक है, बुलियन में सिर्फ बुलियन आता है, और जो न्यूमेरिक है ये फर्दर दो डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर में सिर्फ कैर होता है, मतलब ए बी सी डी जो कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स है ना, ये हो गए कैर। अब इंटीग्रल में आए तो इंटीग्रल दो तरह का हो सकता है, एक इंटीजर, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में क्या होता है, बाइट, यह बुलियन में 0-1 नहीं होता, सॉरी बाइट में होता है, एक बाइट 0 या 1। बुलियन में क्या होगा, बुलियन में क्या होता है पता आपको, आप लोग सुन रहे हो ना, अभी मैं एग्जांपल दे सारा एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इंटीजर में बाइट एक बाइट का होगा, शॉर्ट, इंट, इंट में और लॉन्ग, इंट और लॉन्ग में क्या होगा, इंटीजर ये भी इंटीजर होगा लेकिन लॉन्ग क्या, साइज ज़्यादा होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 100, 200, ये इंटीजर, ये लॉन्ग। अब यहीं फ्लोटिंग में भी ये भी इंटीग्रल है लेकिन इसमें क्या हो गया, पॉइंट, फ्लोट मतलब 4.5, ये क्या हो गया, फ्लोटिंग नंबर, सिर्फ 4 क्या है, ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब इसमें देखिए बुलियन में क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू होगा फॉल्स, साइज होगा 1 बिट। ठीक है, 1 बिट, 1 बिट क्या हो सकता है, या तो 0 या 1, तो डिफॉल्ट क्या होता है, 0। कैर में डिफॉल्ट ये होता है और 2 बाइट का होता है इसका साइज, ए बी सी डी इस तरीके के जो करेक्टर्स होते हैं। और जो इसमें अभी जो कन्फ्यूजन पिछले स्लाइड में था कि बुलियन और बाइट में, बाइट का साइज होता है 1 बाइट। ठीक है, और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स, 8 बिट्स। तो ये इस तरीके के 0-1 वाले कॉम्बिनेशन 8 बिट के बाइट में आ सकते हैं। बुलियन में वही होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0।